पिछले कुछ समय से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 तक का सफर भी तय नहीं किया। ग्रुप स्टेज में ही पाकिस्तान को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद कप्तान बाबर आजम सहित टीम के मुख्य खिलाड़ियों की आलोचना की जा रही है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने T20 वर्ल्ड कप में टीम के शर्मनाक प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। राशिद लतीफ ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बड़ी नसीहत दी है। दरअसल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 वर्ल्ड कप 2024 और वनडे वर्ल्ड कप 2023 में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके थे। दोनों ही खिलाड़ी का खराब परफॉर्म होने की वजह से पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट के पहले दौर से ही बाहर हो गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर करने को लेकर अब राशिद लतीफ अपनी राय दी है। लतीफ ने कहा है कि बाबर ने PCB से कप्तानी की पेशकश को स्वीकार करके बहुत बड़ी गलती की, खासकर जब उन्होंने खुद को पिछले साल इस पद से इस्तीफा दे दिया था। बाबर आजम को दोबारा कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। बाबर आजम आने वाले समय में दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं, उन्हें राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर लगातार सवाल पूछे जाते थे। ऐसे में राशिद लतीफ ने कहा कि इन दोनों ही खिलाड़ियों को अपने बल्लेबाजी के दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा या फिर उन्हें इस फॉर्मेट को ही छोड़ देना चाहिए। उन्हें भारत के अनुभवी विराट कोहली और रोहित शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा, उन्होंने पिछले हफ्ते वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। मैं बाबर और रिजवान को T20 में अपने बल्लेबाजी दृष्टिकोण बदलने के लिए 5 मैच दूंगा और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए टीम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान टीम के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा, वह टीम के हेड कोच गैरी कस्टन और सहायक कोच अजहर महमूद से लाहौर से जल्द ही मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय टीम के T20 विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। नकवी ने T20 विश्व कप में सुपर 8 चरण से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद टीम की आलोचना की थी और कहा था कि इसमें काफी बदलाव की जरूरत है। मोहसिन नकवी ने कहा, मैंने कस्टन और महमूद से यहाँ आने के लिए कहा है क्योंकि मैं उनके सामने बात करना चाहता हूँ। कस्टन ने टीम पर एक बड़ी रिपोर्ट दी है जिससे हमें भविष्य के बारे में फैसला लेने में काफी मदद मिलेगी और टीम के तेज मोहम्मद रिजवान पर एक्शन लिया है। दोनों GT20 खेलने की अनुमति नहीं दी गई है। बोर्ड का पूरा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर है जिसके लिए बोर्ड ने शेड्यूल भी ICC को सौंप दिया है। ऐसे में बोर्ड T20 लीग को लेकर प्लेयर्स को अनुमति नहीं दे रहा है।